जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं मटन सीख कबाब। पहले मसाला वसाला डालने को बोलना था। अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं भी अभी दो मिनट जब लगाएंगे पहले शॉर्ट मैं बोलूँगा। सामने में इसमें मटन सीख कबाब बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने इसमें डाला मसाला क्या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी। तो मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला इसमें, उसके बाद चाट मसाला थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा ब्लैक पेपर डाला ताकि टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद मैंने थोड़ा कश्मीरी चिली पाउडर डाला ताकि थोड़ा इसका कलर अच्छा दिखे, और मैंने थोड़ा इसमें चीज़ डाला। चीज़ इसलिए डाला क्योंकि मसाला हमारा मेरा ये पकड़े अच्छा से। चीज़ बोले तो मसाला हमारा पकड़ेगा ये। इसमें देखिए भाई दोस्तों, इसमें चर्बी है, फैट, तो फैट हम निकाल देते हैं नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा सीख में लगाने टाइम। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, दिखाते हैं अभी इसको हम पूरा अच्छी तरीके से, क्या बोलते हैं, मिक्सी में उसको पीस लिए हैं। ये चर्बी हम निकाल रहे हैं साइड में। अब इसको ये जैसे कि मटन है आप लोग देख सकते हैं अपने आँखों से, बायां आँख से देख सकते हैं आप अपना। तो जैसा कि देखिए चर्बी बहुत सारा इसमें निकाल रहे हैं धीरे धीरे। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, जैसे ये कच्चा मटन है तो देखिए टेस्ट कर रहा हूँ कच्चा मटन दिखा रहे। बहुत ही सुंदर लाजवाब बना है, बनने के बाद इसका हम टेस्ट करवाएंगे जरूर। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम इसको सीख में लगाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो बिना ऐड का दिखा रहे हैं आपको वीडियो, कोई ऐड नहीं आएगा हमारे चैनल पे। क्या रे डम्बो, अभी जैसे कि हम अभी दिखाना चाह रहे हैं, अभी हम जैसे मैं इसको बोल रहे हैं थोड़ी देर में लगाएंगे। हेलो मामा, हाँ मैम थोड़ा देर में लगाते हैं मामा, ठीक है आपसे काम है थोड़ा, ठीक है राइट। तो जैसा कि मेरा दोस्त मेरे को कॉल किया था तब हम उसमें बिजी थे, थोड़ा पानी एक बॉल में लाएगा हमारा कैमरामैन, जा पानी ला। तो हमने सीख ले लिया, इसको बोलते हैं रन, इसको सीख बोलते हैं। तो देखिए आप अच्छा तरीके से जूम करके देखिए, काफ़ी क्या बोलते हैं स्क्वायर का है, स्क्वायर। अभी हम सामने मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे इसको सीख में लगाना है। आ गया जो मैं इसको अच्छा से बलिया लिया हूँ, अब मारेंगे सीख में। तो जैसा कि देखिए अभी सीख में, अभी इसमें थोड़ा पानी लगाना हाथ में ताकि अच्छा से चिपके, अच्छे से मार सकें ताकि। ये हमारा मटन सीख कबाब है, ये भी तंदूर भट्टी में पकेगा, ज़्यादा नहीं 7-8 मिनट में ये हमारा पूरा पक जाएगा। इसके बाद हम इसका टेस्ट बताएंगे आप लोग को कैसा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है कि टेस्ट भी अच्छा होगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो संजय सर कैसा देख रहे हैं? कोई देख रहा है, पानी लगा। तो जैसा कि हम पानी लगा रहे हैं इसलिए ताकि हमारा ये गिरे ना, अच्छा से हमारा चिपक जाए। तो हम इसको अब तंदूर भट्टी में काफ़ी अच्छा तरीका से हमारा पकड़ लिया है, ये हमारा चीज़ का कमाल है और पानी का नहीं। तो वैसे भी मटन थोड़ा छिदरा छिदरा दिखेगा लेकिन इसका मशीन नहीं है इसलिए। अब हम बाएं हाथ से भट्टी खोलेंगे, बाएं हाथ से मैंने भट्टी नहीं खोला, वो कैमरामैन खोला। अब इसको तंदूर भट्टी में डाल दिए, अब देखिए बने रहिए कैसे पकेगा। अब इसको ढक देंगे ताकि दोनों तरफ से बॉयल हो। तो जैसा कि दाएं हाथ से मैंने चीज़ ग्रेट कर लिया, इसमें अब मैंने इसमें क्रीम डाल दिया,
क्रीम इसलिए डाला हूँ ताकि आपको दिखे। जैसे कि कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, अभी हम इसको उल्टा करके लगाएंगे। तो हम इसको ढक देंगे। बंदे एक वीडियो पूरा होना चाहिए। जैसा कि ये इसमें मटन में हम बटर डाल रहे हैं ताकि अच्छा हमारा स्मेल भी आए और खाने में भी थोड़ा नमकीन लगे। तो इसी में हमारा अजवाइन पिस्ते का भी अंदर लगाया हूँ, इसे अजवाइन पिस्ते बोलते हैं। अजवाइन पिस्ते का कम कर आएगा, बस हो गया दोनों से। ये हमारा पक के रेडी हो चुका है, मेरा अजवाइन पिस्ते का भी रेडी हो गया है। दुआ दुआ ठीक। अपना हाथों से साफ कर लिए ताकि मेरा गंदा निकल जाए। जैसे कि हमारा मटन स्टिच वो पक के रेडी हो गया पूरा, अभी हम इसको सर्व करेंगे। ऐसा थोड़ा स्टाइलिज में कटिंग कर लेंगे डायमंड। देना पड़ेगा ना थोड़ा हड्डी बाहर आ रही है। पार्सल है रे, बोतल लेता, फोटो लेगा तो बोलो जल्दी जल्दी। हाँ यार बटरी डाल देना चल जाओ। बस